अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारू खान। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 स्टोइकोमेट्री। सो नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट इज स्टोइकोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्ट। स्टोइकोमेट्री जो है ना, वो ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की। इसमें हम लोग डील करते हैं रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट? देखें, जब हम लोग किसी चीज़ को, तो रिएक्टेंट वो होता है जो हमें गिवन होता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी जो रिलेशनशिप होता है ना, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए, आपने इक्वेशंस करी होंगी 9 में, तो बैलेंस, जब बैलेंस इक्वेशन हम करके ना, जैसे हम लोग वो करते हैं कि ना, क्या है, हम लोग करते हैं C+O2, तो हमारे पास यहाँ CO2 बन जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास प्रोडक्ट है, और हमारे पास ये क्या है? ये हमारे पास रिएक्टेंट है। तो हमारे पास जो ये इक्वेशंस होती है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, इसकी जो हम लोग क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप करते हैं, मतलब क्वांटिटेटिव क्या रिलेशनशिप जो इनकी स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं स्टोइकोमेट्री। अब स्टोइकोमेट्री भी ना 3 टाइप्स की होती हैं। मास मास रिलेशनशिप का भी हम करते हैं, मास वॉल्यूम का भी करते हैं, और वॉल्यूम वॉल्यूम का भी करते हैं। ये बाद में हम करेंगे, पहले आप लोगों की बुक में इसका क्या है इंट्रोडक्शन था, तो मैंने करवा दिया। नाउ वी टॉक अबाउट मोल्स। व्हाट इज मोल्स? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वली क्या है, इक्वल एग्जैक्टली इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास या एटॉमिक मास इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। लाइक 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर 6.02 × 10³। ना तो हमारे पास क्या है कि मोल जो है ना, वो अमाउंट होता है, हम एग्जैक्टली जो अमाउंट है ना सब्सटेंस का, उसको हम करते हैं। लाइक मैं आपको अभी बताती हूँ, मोल जो है ना, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को है ना, हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। हम करेंगे एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड्स, एंड बाकी मैं आपको अभी एक और बताती हूँ। अब देखें, अब हम करेंगे कि ना, क्या एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। लाइक देखें, सोडियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम एंड यूरेनियम, ये सारे हो गए। तो इसका क्या है, ये क्या कहलाते हैं, ये एटम्स कहलाते हैं। एटम्स क्या है, जो ग्रीक वर्ड से निकला एटमोस, उसका मतलब होता है इंडिविजुअल। तो हमारे पास जो है ना, वो होगा एटॉमिक मास। इसका हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक मास। एटम्स का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अब हम एग्जांपल्स में अगर लें, तो हम लिखेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन तो जो है वो 1 होता है, 1.008 AMU। एटॉमिक मास को हम ये करते हैं ना, AMU से डोनेट करते हैं। और हमारे पास जो है वो आएगा कि एटॉमिक मास, अब हम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम का क्या आएगा, 23 AMU। अब हमारे पास ये हो गया कि हमने एलिमेंट्स का पढ़ लिया, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो हमें पता होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो ये होते हैं कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, 2 एटम्स, 3 एटम्स कुछ भी करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। लाइक देखें, H2O, जब हम HH को, हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। तो हमारे पास ये H2 आ गया, हमारे पास H2O आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्लूकोज का अगर हम ले लें, तो वो भी मॉलिक्यूल है ना, C6H12O6। तो हमारे पास ये आ गया मॉलिक्यूल्स। अब इसका क्या होगा, हम लिख देंगे एटम की जरा जगह मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे के मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2, तो क्या होगा, 2.016 होता है, AMU ही आता है। और फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, 18 AMU। अब अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड को ले लें, तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स, अब देखें हमारे पास जो है ना, वो कंपाउंड्स का क्या होता है कि ये जो है ना, वो कम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स का। जब एलिमेंट्स को हम कंबाइन करते हैं ना, तो वो कंपाउंड बनता है। तो हमारे पास क्या होगा, आयनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, NaCl हमारे पास, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो हमारे पास देखें आयनिक क्या मतलब, आयन से निकला है, और सॉल्ट हमारे पास आयन होता है ना, तो आयनिक कंपाउंड CaCO3 हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास फार्मूला यूनिट भी होता है। अब फार्मूला यूनिट का हम जब करेंगे, क्योंकि फार्मूला है ना पूरा, तो ये हमारे पास फार्मूला यूनिट होता है। हमारे पास फार्मूला यूनिट में हमारे पास ये आ जाता है। अब हम अगर करें ना कि फार्मूला मास क्या, तो फार्मूला मास ऑफ NaCl,
देखें, अगर ये शायद आपको आता हो, नहीं भी आता तो देखें सोडियम का क्या होता है, 23 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास 58.5 AMU आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, फॉर्मूला मास हो गया। फॉर्मूला मास जब है ना, हम करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का CaCl3 का, तो हमारे पास कैल्शियम जो है ना वो 40 होता है, कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100 AMU। फोर्थ बात करते हैं आयोनिक स्पीशी की। देखें आयोनिक स्पीशी जो है ना वो क्या होता है, उनके ऊपर OH- H+ SO4 2- Cl2 माइनस, तो ये जो होता है ना ये आयनिक स्पीशी कहलाता है। ये कोई खास बात होती नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि आपको हो जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मोल्स। अब हमने करा ना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो मोल्स कहलाता है, तो मोल्स जो है वो डिनोट होता है एन से। हम लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय एन, एंड है ना इसका जो है ना वो फॉर्मूला मास भी यही होता है, एन इज इक्वल टू एम डिवाइड बाय एम। लाइक देखें, मास इन ग्राम, अपॉन अटोमिक मास, या फॉर्मूला मास, या कुछ भी ना, जैसे हम लोगों ने अभी किया था, तो हम अटोमिक मास लिख लेते हैं, फॉर्मूला मास जो अभी हमने किया था ये हमारे पास हो गया। अब जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो ये होता है कि इसका यूनिट जो है ना वो ग्राम होता है। यहाँ हम लिख लेते हैं कि इसका यूनिट जो है ना ग्राम, जी एम से कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं, देखें 1 ग्राम एटम। अब इसको हम कह सकते हैं ना कि मोल में हमने पढ़ा था, तो यह मोल ऑफ वन है, तो क्या होगा कि उसका जो एटॉमिक मास था ना उसको हम अब ग्राम में भी करके लिख सकते हैं, 1.008 ग्राम। अब जब हमने Na का क्या मतलब सोडियम का पढ़ा था ना हमने 23, तो हम लोग उसमें ये भी लिख सकते हैं कि 23 ग्राम भी हम करके लिख सकते हैं। लाइक देखें, हमने यहाँ किया था ना यहाँ, तो हम लोग 23 ग्राम भी करके लिख सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें ना मॉलिक्यूल्स की, तो हमारे पास जो है ना वो ये आएगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, H2। हमने अभी किया था 216 AMU किया था, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ग्राम भी कर सकते हैं। और फिर अगर हम बात करें फॉर्मूला मास की, तो 1 ग्राम हम फॉर्मूला लिखें मास और NaCl, तो NaCl का हमने 58.5 क्या है AMU लिखा था ना, अब हम यहाँ लिख सकते हैं 58.5 ग्राम। तो यहाँ हमारे पास ये देखें हमने किया था ना, तो अब हमारे पास ये ऐसे आ गया। तो बात करते हैं मोलर वॉल्यूम की। देखें मोलर वॉल्यूम जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है गैसेस के लिए। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ अ गैस जो है ना वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, लाइक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है ना वो ये होता है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर स्टैंडर्ड होना चाहिए, लाइक या तो 273 केल्विन होना चाहिए या फिर हमारे पास 0 सेल्सियस होना चाहिए। तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब ऑक्यूपाई करता है ना वॉल्यूम को 23.4 dm³ में, तो उसको हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम। लाइक 1 मोल ऑक्यूपाई 22.4 dm³ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, सो दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। क्या स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लिख सकते हैं कि STP क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस या फिर 273 केल्विन, या फिर प्रेशर जो है वो क्या होता है 1 atm होगा, या फिर हम लोग प्रेशर को 760 टॉर भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो है वो ये हम कर देंगे कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जब भी ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम, तो वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम होता है।
हम लोग ये डायग्राम से देखें तो 1 मोल ऑफ एच टू 22.4 DmCl को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर एवोगैड्रो नंबर का करता है, तो फिर ये क्या हुआ, मोलर वॉल्यूम हुआ N2। क्या गैसेस के बारे में कहा है ना, तो सिर्फ और सिर्फ गैसेस आ सकती हैं या नाइट्रोजन की, तो ये एवोगैड्रो नंबर हो गया 1 मोल, क्योंकि हमने अभी कहा था कि 1 मोल में 6.02 × 10²³ क्या एवोगैड्रो नंबर होता है। तो हम ये करेंगे कि 1 मोल जो है वो या तो 22.4 DmCl के बराबर भी होता है और क्या है मतलब एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी होता है, इक्वल होता है दोनों के। तो अगर वो 1 मोल जो है वो ऑक्यूपाई करता है 22.4, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एग्जाम्पल से भी समझ आ रहा है कि 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस आप ले लें, वो ऑक्यूपाई करता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो मोलर वॉल्यूम होगा। बुक में ना बस अभी 273 केल्विन का है, 0 सेल्सियस का नहीं बताया हुआ है ना 760 टॉर का बताया हुआ, लेकिन 780 760 टॉर के बराबर होता है, तो प्रेशर जो है ना वो स्टैंडर्ड 760 के बराबर भी होता है और क्या है 0 सेल्सियस के बराबर भी होता है, तो मैंने आपको ये एक्स्ट्रा बता दिया है। हमने ये बात करी थी कि क्या है एटॉमिक मास, हमने कहा कि AMU में वो है और फिर हमने ग्राम में भी करा, तो देखें 1 ग्राम एटम जो है ना वो मोल्स का, अगर हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो ये एग्जांपल ये जो है ना वो डेफिनेशन होती है मोलर मास की, लाइक द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। लाइक अगर हम लोग लिख रहे हैं ना कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और अगर हम लोग दूसरी तरफ लिखते हैं कि क्या है 1 ग्राम एटम मोल ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, तो ये ग्राम वाला जो हुआ ना ये मोलर मास हुआ, क्योंकि क्या जो मोलर मास का जो होता है ना वो ग्राम पर मोल होता है। मैं भी आपको इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ, इसकी डेफिनेशन कि द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास, इसका ग्राम पर मोल होता है, हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं। बाकी ये है कि यहाँ कहा बताया हुआ भी है कि अगर हम लोग एटॉमिक मास जो है ना वो 55.85 AMU है, अगर हमारे पास आयरन का, तो हमारे पास जो है ना उसका मोलर मास क्या होगा 55.85 ग्राम हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ये बताया हुआ है कि मोलर वॉल्यूम जो क्या है हमारे पास जो है मोलर मास जो है वो ये होगा कि ग्राम में हम लोग उसको एटॉमिक मास को ग्राम में ले लेंगे। तो फिर हमारे पास ये क्या हुआ, ये देखें, ये इसको हम एटम में भी ले सकते हैं, मॉलिक्यूल्स में भी ले सकते हैं, फॉर्मूले में भी ले सकते हैं, ये हमारे पास मोलर मास हुआ। बुक में भी वही है, बस यहाँ हमारे पास ये है कि मोल जो है ना वो लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है या तो पाई या फिर हीट। तो फिर हमारे पास बस बाकी इसमें ये बताया हुआ है कि 1 मोल जो है ना वो एवोगैड्रो के नंबर के बराबर भी होता है, बस आप ये ज़रूर याद रखिएगा। सो दैट्स इट, इस हमने क्या है इस लेक्चर में हमने मोल्स कर लिए हैं, अब हम लोग एवोगैड्रो नंबर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।